Now next C program based on integer array, count the all even and odd element from a given array. Suppose that अगर आपका कोई भी integer array given है, जैसे integer array के अंदर आपको just count क्या करना है, occurrences of number of even numbers and odd numbers. तो इसके इसमें just again same steps होंगे. सबसे पहले main function के respect में अगर concentrate करें, तो step से में first step क्या है, just variable declarations. तो variable declarations के respect में just initially आपको required क्या है, array with maximum size. तो इसके इसमें array declaration provide की with maximum size as 100, clear. तो यानी से array के elements को loop के through iterate करने के लिए required क्या हुआ, iterative variable i, therefore we are declaring i here. Next one, array के इसमें maximum size और physical size क्या है इसका 100, लेकिन इसके अंदर logically elements कितने manage करेंगे, n elements, और n का value runtime पर read करेंगे. अगर n का value runtime पर 5 enters किया है, देन लॉजिकली एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने मैंने जाऊं, 5 एलिमेंट्स. तो इस केस में एक और एक्स्ट्रा वैल्यू रिक्वायर्ड होगा n. इसके अलावा इस केस में जस्ट आपको स्पेशली परफॉर्म क्या कराना है, सपोज दैट आपने 5 एलिमेंट एंटर कर लिए, लाइक 5 6 7 8 and 10, लाइक दैट. तो इसके साथ आपको काउंट क्या करना है, इवन नंबर ऑकरेंसेस ऑफ ऑल इवन नंबर एंड ऑड नंबर. तो इस केस में जो भी मैंने नंबर्स एंटर किए, इस केस में इवन नंबर्स कितने हैं, 5 6 8 10. तो इवन नंबर्स कितने, 10. तो इवन नंबर का काउंटिंग वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैं सेपरेट वैल्यू रिक्वायर्ड हूं, इस केस में इवन काउंटर, क्लियर. देन इसका वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू 3. सेम है ऑड नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर कितने फाउंड हुआ, 2. ऑड नंबर का भी काउंटिंग और ऑकरेंसेस मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, वन मोर वेरिएबल ऑड काउंटर विद इनिशियल वैल्यू 0 0. तो इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज क्या रिक्वायर्ड होंगे, इंटीजर इवन काउंटर इक्वल्स टू 0 कॉमा ऑड काउंटर इक्वल्स टू 0. जस्ट इन वेरिएबल्स में मैनेज क्या करेंगे, ऑकरेंसेस ऑफ इवन नंबर्स, ऑकरेंसेस ऑफ ऑड नंबर. नेक्स्ट केस, वेरिएबल डिक्लेरेशंस का सेकंड स्टेप क्या है, रीडिंग इनपुट्स. तो इस केस में इनपुट्स में 2 इनपुट्स रीड कराना, वैल्यू ऑफ एन एंड एलिमेंट फॉर एरे. इसे जैसे एरे के लिए कितने एलिमेंट रीड कराना कंप्लीटली डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एन. तो सबसे पहले आपको वैल्यू किसका रिक्वायर्ड है, एन का. नेक्स्ट केस मैंने रीड क्या किया, इनपुट वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू सपोज 5 एंटर किया है, देन एरे के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कितने रीड कराऊ, 5 एलिमेंट. तो नेक्स्ट टाइम एरे के एलिमेंट्स को रीड करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, स्कैनर फंक्शन. इन दैट केस, लेकिन इसे स्कैनर फंक्शन के थ्रू कितने एलिमेंट्स रीड कराना है, एन एलिमेंट्स. तो इसलिए स्कैनर फंक्शन डायरेक्टली राइट ना करेगी, लूप के फॉर्म में राइट किया. लॉजिकली इस लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार होगा, एन टाइम्स. प्लस इस केस में एवरी टाइम वैल्यू किसके लिए रीड होगा, ए ऑफ आई. मैंने ऑलरेडी बताया था, अगर आप किसी लूप के अंदर या लूप के फॉर्म में अगर ए ऑफ आई के लिए कोई ऑपरेशन अप्लाई करो, देन ये ऑपरेशन सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा. इस स्कैनर फंक्शन के थ्रू ऑल एलिमेंट्स के लिए डेटा रीड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 by 1, क्लियर. नेक्स्ट वन रीड ऑपरेशन का, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, जस्ट अप्लाइंग लॉजिक्स. लॉजिक्स क्या होंगे, इस केस में डिपेंड करेगा व्हाट इज द गिवन प्रॉब्लम. इस केस में प्रॉब्लम क्या गिवन है, जस्ट आपको काउंट क्या करना है, काउंट ऑल इवन एंड ऑड एलिमेंट्स. तो इवन और ऑड एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए आपको परफॉर्म क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एवरी टाइम सारे के सारे नंबर्स भी रीड करोगे या एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स भी रीड करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या 0. तो इस केस में लूप जस्ट स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 इंडेक्स ऑनवर्ड्स. कब तक चलाओगे, जब तक आई का वैल्यू एन से छोटा है, एवरी टाइम आई प्लस प्लस. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराना है, ए ऑफ आई के रिस्पेक्ट में चेक करना. आपको चेक क्या कराना है, गिवन नंबर इज इवन और ऑड, और नंबर किसके पास, नंबर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ए ऑफ आई से. तो इसके इसमें जस्ट इफ कंडीशन अप्लाई करोगे, इफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, रिमाइंडर 0 मिलता है, देन इसका मतलब क्या है, गिवन नंबर इज इवन. अगर कंडीशन टू, देन नंबर कैसा है, ए ऑफ आई का रिप्रेजेंट करा करंटली इवन, तो इस केस में इमीडिएटली परफॉर्म क्या करना है, इवन काउंटर प्लस प्लस. इसका इनिशियल वैल्यू क्या है, जस्ट 0. एवरी टाइम इंक्रीमेंट किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स. और कंडीशन फॉल्स है किसी भी नंबर के केस में, 2 पॉसिबल केस होंगे, आइदर इवन और ऑड. अगर फॉल्स है देन इसका मतलब नंबर कैसा है, ऑड, देन इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराएं, ऑड काउंटर, इंक्रीमेंट इन ऑड काउंटर. दिस इज द पर्पज ऑफ गिवन लूप. इसे इस लूप के थ्रू परफॉर्म क्या हो रहा है, जस्ट ऑपरेशन. लास्ट केस क्या रहता है, जस्ट डिस्प्लेइंग आउटपुट. तो आउटपुट में जस्ट डिस्प्ले क्या कराना है, वैल्यू ऑफ इवन काउंटर और ऑड काउंटर, क्योंकि आपको इस केस में पूछा क्या गया है, काउंटिंग वैल्यूज. देन डिस्प्ले करा सकते हैं यूजिंग प्रिंट एप इवन परसेंट डी कॉमा ऑड परसेंट डी वैल्यू ऑफ इवन काउंटर ई सी
कॉमा ऑड काउंटर ओ सी, क्लियर। देन फाइनली क्लोजिंग दिस मेन फंक्शंस।